प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो फेज में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे। ये देखिए, पहला फेज इसको देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि इफ़ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस ऑफ एक्स विच आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो, याद रखिए क्या बोले, अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो तो उसका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूस होगा, डिविजन भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ? एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। अगर कोई कांस्टेंट गुना हो, जैसे लैम्डा एफ भी रहे, ठीक है, अगर एक्स हमारा, मान लीजिए कि एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, लैम्डा एफ इज आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, सिमिलरली दूसरा फेज की अगर बात करें तो हम लोग यहां सीखेंगे कि अगर एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन ऑफ एक्स विच आर कंटिन्यूस ऑन डोमेन डी वन एंड डी टू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि f जो कंटिन्यूस है हमारा, ध्यान देखिएगा, f कंटिन्यूस है अपने डोमेन d1 में और g कंटिन्यूस है अपने डोमेन d2 में। ओके, तब क्या होगा, तब f प्लस g जो कंटिन्यूस होगा, दैट मीन्स उसका एडिशन जो कंटिन्यूस होगा d1 इंटरसेक्शन d2 में। ठीक है, उसका सब्सट्रैक्शन भी कहाँ कंटिन्यूस होगा, ठीक है, कहाँ होगा, तो d1 इंटरसेक्शन d2 में कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली इसका मल्टीप्लीकेशन कहाँ कंटिन्यूस होगा, तो मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूस होगा d1 इंटरसेक्शन d2 में। एंड f by g, उसका डिवीजन भी कहाँ कंटिन्यूस होगा, इसका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा d1 इंटरसेक्शन d2 में। ठीक है, और अगर कोई कांस्टेंट अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि लैम्डा f की बात करें, तो लैम्डा f भी कहाँ कंटिन्यूस होगा, ध्यान देखिएगा, तो अगर c हमारा कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं करेगा, अगर ये d1 में कंटिन्यूस है तो ये d1 में ही कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और मोर स्टडी करते हैं। दूसरा सा इसको सारा प्रूफ भी देखेंगे अभी हम लोग, ये कैसे प्रूफ होता है। दूसरा फेज में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, क्या कहता है, अ पॉलीनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। अगर कोई पॉलीनोमियल फंक्शन है तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी पढ़ना है हम लोगों को। फिर ये कह रहा है कि f एंड g आर रियल फंक्शंस, ठीक है, f और g रियल फंक्शन है, सच दैट फॉग इज डिफाइंड, ठीक है, एंड g इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a, ठीक है, एंड f इज कंटिन्यूस एट g a। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, कि f और g कोई रियल फंक्शन है, ठीक है, जिसमें कि फॉग डिफाइंड का मतलब फॉग एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फॉग अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो कंडीशन क्या होगा, तो रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f रहा होगा, जिसमें कि बोल रहा है कि g जो है ना कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a, ठीक है, यानी कि लिमिट ऑफ g एज एक्सटेंडिंग टू a ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू जी ए रहा होगा, ठीक है, कंटिन्यूस है। और बोल रहा है कि f इज कंटिन्यूस एट जी ए, दैट मीन्स लिमिट ऑफ f x एज एक्सटेंडिंग टू जी ए, ये भी कंटिन्यूस है, इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ a, ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो फॉग क्या होगा हमारा, तो फॉग भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये प्रूव करना है हम लोगों को। दूसरा फिर एक लास्ट है कि एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शंस एंड फॉग इज डिफाइंड, देन कंपोजिशन इज कंपोजिशन फंक्शन फॉग इज आल्सो कंटिन्यूस। अगर जी और एफ हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर फॉग डिफाइंड है तो फॉग भी कंटिन्यूस होगा, और अगर गॉब भी डिफाइंड होगा तो गॉब भी कंटिन्यूस होगा। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, ये सारी बातें समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा एक एक करके प्रूफ को पढ़े, चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रूफ देख रहे हैं, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कहना चाह रहा है आपके पास कि इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स विच आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो देखिए, तो सिंस लिख सकते हैं, सिंस एफ एंड जी is continuous at
x इक्वल्स टू a, तो देयरफॉर क्या रहा होगा, देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंडिंग टू a बराबर क्या रहा होगा, एफ ए, एंड लिमिट ऑफ g x एज x टेंडिंग टू a ये भी किसके बराबर रहा होगा, g a के बराबर रहा होगा, ये तय है, क्यों, क्योंकि f एंड g इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, ओके। तो अब हम लोगों को दिखाना है कि f प्लस g इज आल्सो कंटिन्यूस। अब देखिए, तो देयरफॉर टू हम लोग को क्या प्रूव करना है कि f प्लस g इज आल्सो कंटिन्यूस, देयरफॉर f प्लस g ऑफ a निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस g ऑफ a, ऐसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए, अगेन लिमिट ऑफ f ऑफ x, या हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, लिमिट ऑफ f ऑफ f प्लस g ऑफ x एज x टेंडिंग टू a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, इसको अगर तोड़े तो हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ ए प्लस जी ए, क्या लिख सकते हैं कि दैट इज लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए, ये किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू एफ प्लस जी ऑफ ए, इसके बराबर है, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a, बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से अगर हम लोग चाहे तो प्रूव कर सकते हैं कि अगर f प्लस g कंटिन्यूस आ जा रहा है तो सिमिलरली f माइनस g भी कंटिन्यूस होगा, f इंटू g भी कंटिन्यूस होगा, f बाय g भी कंटिन्यूस होगा, और c इंटू f, दैट मीन्स अगर कोई कॉन्स्टेंट गुना करे तो ये भी कंटिन्यूस होगा। तो ये 7 और 8, तो आप लोगों से बन जाएगा 9 की थोड़ा बात करते हैं कि f बाई जी की बात कर रहे, तो देखिएगा सिंस अगर देखें तो सिंस f बाई जी प्रूव करना है, तो देखिए देयरफॉर f बाई जी ऑफ x, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, f ऑफ x, सॉरी यहां पर a चाहिए हम लोगों को, इसका फंक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं ऑफ a, ठीक है, तो ये किसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा f ऑफ a बाय g ऑफ a के बराबर, ठीक है। फिर आ जाइए, अगेन कंडीशन यहाँ पर एक लगा हुआ होगा कि वेयर g a नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, फिर देखिएगा, एंड अगर हम लोग इसके लिमिटिंग वैल्यू को निकालते हैं कि एंड लिमिट ऑफ f ऑफ f बाय g ऑफ x एज x टेंडिंग टू a, ये किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स बाय जी एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए, तो हम लोग लिमिट के रूल से पता है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए बाय लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ए बाय जी ए, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फिर कंडीशन क्या होगा कि वेयर जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होगा, तो देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ बाय जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए इज इक्वल्स टू एफ बाय जी ऑफ ए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ बाय जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है, therefore f by g of x is continuous at x equals to a, हो गया प्रूफ हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, दैट मीन्स ये पांचों कंप्लीट हो चुका और समझ में भी आ चुका है, सेकेंड फेज की बात कर रहे हैं हम लोग।
बोल रहा है कि f प्लस जी इज कंटिन्यूस ऑन d, ठीक है, ये प्रूव करना है। अच्छा, क्या कहना क्या चाह रहा है ये, ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि f और g जो है हमारा, ठीक है, ये f और g हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो किसी पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, f और g जो है दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, कहाँ, तो d1 और d2 में। तो d क्या है हमारा, तो एक्चुअली प्लस हो गया यहाँ पर, d1 इंटरसेक्शन d2 है, तो d इक्वल्स टू d1 इंटरसेक्शन d2 है, तो दिखाना है कि f प्लस g जो है वो भी कंटिन्यूस होगा कहाँ, ऑन d, दैट मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन में, ठीक है। चलिए पहले एक सिक्स नंबर को प्रूव करते हैं हम लोग, देखिए, तो सिंस f इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस इन, ध्यान दीजिएगा, a बिलोंग्स टू d1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंडिंग टू a इज इक्वल्स टू एफ ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू d1, ठीक है, एंड g इज कंटिन्यूस, g इज कंटिन्यूस इन, ध्यान दीजिएगा, g इज कंटिन्यूस इन a belongs to d2, ठीक है, तो therefore limit of gx as x tending to a is equals to क्या होगा, ga, ठीक है। अब देखिए, तो that is a किस में belong करेगा, तो a belongs to d1 intersection d2 होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर a अगर d1 में आ रहा है, a d2 में भी आ रहा है, तो a तो d1 intersection d2 होगा, for all a belongs to d1 and d2, ठीक है। अब देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, therefore, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं हम लोग, therefore f plus g of x, तो of a निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f of a plus g of a, ठीक है। फिर देखिए, and limit of f plus g of x as extending to a, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एज एक्सटेंडिंग टू ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंडिंग टू ए प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्सटेंडिंग टू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए प्लस जी ए, तो देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स एज एक्सटेंडिंग टू ए इज इक्वल्स टू एफ प्लस जी ऑफ ए, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या होगा, डी वन इंटरसेक्शन डी टू, ठीक है। अब यहां से समझ में आ रहा है कि देयरफॉर देयरफॉर एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस इन डी वन इंटरसेक्शन डी टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, एक बात समझ में आ गया हम लोगों को कि अगर ये किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों x इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूस है, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो x इक्वल्स टू ए ही आएगा, इसलिए ये इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन या किसी कॉन्स्टेंट से गुना कर दे तो वो भी x इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूस होगा। लेकिन f और g अगर कंटिन्यूस है किसी इंटरवल में, दैट मीन्स ये डोमेन d1 में, दैट मीन्स इन इंटरवल d1 इट इज कंटिन्यूस, और d2 कंटिन्यूस है हमारा इन इंटरवल d, g हमारा कंटिन्यूस है इन इंटरवल d2, तो जो f प्लस g जो कंटिन्यूस होगा वो कहाँ होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में कंटिन्यूस होगा, यानी कि f प्लस g इज कंटिन्यूस ऑन d1 इंटरसेक्शन d2, ये भी क्या होगा, ऑन d1 इंटरसेक्शन d2, क्यों, बात समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर a कोई एलिमेंट पकड़ते हैं हम लोग, a कोई एलिमेंट पकड़ते हैं कि अच्छा कंटिन्यूस है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा आप लोग के सामने प्रूफ, देखिए हम लोग पकड़े कि अगर a कोई एलिमेंट आता है d1 में, ठीक है, और a कोई एलिमेंट आता है d2 में, तो अगर दोनों का एडिशन होगा, तो जब भी एडिशन करेंगे, दैट मींस a पर f भी डिफाइन होना चाहिए, a पर g भी डिफाइन होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जबकि ए दोनों में आए,
तो जब भी ए दोनों में आएगा तो दोनों का इंटरसेक्शन तय है, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, डी वन इंटरसेक्शन डी टू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पक्का समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल सॉल्व। ओके, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रूफ के साथ मिलेंगे, ठीक है, कि अगर एक पॉलीनोमियल फंक्शन है तो क्यों कंटिन्यूस हो जाता है, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो क्यों कंटिन्यूस होता है ऑलवेज। ठीक है, अगर एफ एंड जी आर रियल फंक्शन एज दैट फॉग इज डिफाइंड एंड जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड एफ इज कंटिन्यूस एट जी ए देन फॉग इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। सिमिलरली इसको भी अगर आप लोगों से बन जा रहा है तो एक बार सॉल्व कर लीजिए, इसको नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही जल्दी बनेगा। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।